Okay. मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पर और इस मोटरसाइकिल को लेके जो कि क्यूजे मोटर की SRV 300 है। ये एक क्रूजर मोटरसाइकिल है। आप इसको सिटी में तो मैं बहुत चला चुका हूँ, काफ़ी मज़ेदार मोटरसाइकिल है, लेकिन ये बनाई गई है स्पेशली हाईवे राइड्स के लिए। अब ये हाईवे पर कैसी परफॉर्मेंस देती है, कितनी पावर देती है, कितनी कंफर्टेबल रहेगी, ये सब आपको मैं बताऊंगा हमारे इस डिटेल्ड रिव्यू में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें, और ऑटो जंक्शन पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम नोएडा से वृंदावन पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इस मोटरसाइकिल को चला चुका हूं। अभी तक ज़्यादातर राइड जो रही है वो हाईवे की रही है। अब हाईवे पे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर आप इस मोटरसाइकिल पे मेंटेन करते हो तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप 100 को क्रॉस करते हो, 110 120 की तरफ बढ़ते हो, 120 से ऊपर मैंने नहीं चलाया है, 120 के आसपास अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको यहाँ पैरों पर फील होना शुरू हो जाते हैं और हाथ के ऊपर भी वाइब्रेशन जो है वो फील होते हैं। तो इसकी अगर क्रूजिंग स्पीड की मैं बात करूँ तो वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगी। और सिटिंग कम्फर्ट की बात करूँ तो सिटिंग कम्फर्ट अच्छा है, बाइक में आपको थकान नहीं होती है। हाँ, पैर बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप आगे रखते हो तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, तो ऐसे में फिर आप पैर थोड़ी देर के लिए पीछे रख सकते हो या फिर आप बाइक को साइड में लगाओ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करो, उसके बाद चलाओ। एक चीज़ है कि सीट जो है वो कंफर्टेबल है, लेकिन पीछे इतनी जगह नहीं है कि पिलियन कोई भी बैठ सके। तो मैं अकेले ही राइड कर रहा हूँ, बाकी मेरा हेलमेट वगैरह ये मैं सोच रहा कि नहीं है, मेरे साथ में गाड़ी भी है हमारे पास, तो वो अभी फ़िलहाल मैंने गाड़ी पर रखा हुआ है। तो ओवरऑल अभी तक ये एक्सपीरियंस रहा है। अब हम वृंदावन पहुंचने वाले हैं तो वृंदावन के अंदर गलियों में कैसी परफॉर्मेंस आएगी वो भी बताऊंगा, क्योंकि हाईवे पे इंजन हीटिंग वगैरह बिल्कुल पता नहीं चल रही है, कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि इंजन हीट कर रहा है या मेरे पैरों पर गर्म हवा लग रही है, नहीं पता चलता है। हाईवे पे एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे जब आप चलते हो तो रेगुलरली इंजन जो है वो ठंडा होता रहता है और जो रेडिएटर की गर्म हवा है वो नेचुरल हवा में मिक्स हो जाती है तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप ट्रैफिक में चलाओगे तब आपको पता चलेगा। तो अब हम ट्रैफिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक का मेरा कैसा एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत पर और यहाँ आप देख सकते हो इधर मेरे साथ में पर्वत है। और अब ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इस बाइक को हाईवे पे चला चुका हूँ, मथुरा वृंदावन की तंग गलियों में हमने इसको निकाला है, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ से भी बाइक जो है वो निकल गई, तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई है इसको। बात करें क्या कुछ अच्छा है क्या बुरा लगा है उसके बारे में, तो पहला जो इंजन है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। वी ट्विन होने की वजह से साउंड काफ़ी अच्छा आता है और पावर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलती है। 100 की स्पीड पर आप आराम से इस मोटरसाइकिल को लेकर क्रूज़ कर सकते हो। सिटी में अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो सिटी में भी आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। रीज़न है दो, पहला कि बाइक की जो सीट हाइट है वो काफ़ी कम है और वज़न काफ़ी कम है, 164 किलोग्राम के आसपास ये वज़न के साथ में आती है, और शहर में इस बाइक को हैंडल करना काफ़ी इजी होता है। साथ ही गियर शिफ्ट आपको बार बार नहीं करना है, आप पहले गियर में ही आप इसको ट्रैफिक से आराम से निकालते चले जाओगे, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा सा खाली रास्ता नज़र आता है, आप सडन एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो भी आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले में भी खींच दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अच्छी चीज़ है लॉन्ग राइड के हिसाब से, अगर आप एक बाइक लेना चाहते हो और वहाँ पर अगर आप ऐसी एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जो कि लुक में डिफरेंट दिखे और इंजन परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे सके, तो वहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ में अपनी कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि पिलियन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, और प्लस अगर मुझे अपना कोई लगेज वगैरह रखना है तो उसका भी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। दूसरा के ब्रांड को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश वगैरह अच्छी है, बाइक में कोई और परेशानी नहीं है। बात करें वाइब्रेशंस की,
तो वाइब्रेशंस 100 के ऊपर जाने पर आपको मिलेंगे, उससे नीचे आपको नहीं मिलते हैं। 100 पर अगर आप क्रूज़ करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 5 feet 8 inches है, दोनों पैर आराम से आते हैं। 700 mm सीट हाइट है, तो जिनकी हाइट 5 feet है वो भी इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। फुटपैक की पोजिशन अगर आप देखते हो तो वो यहाँ पर आती है, आगे की तरफ रखी है, तो कम्फर्ट आपको देता है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको पैर नहीं खोलने पड़ेंगे। तो फिर से वही बात कि जिन लोगों की हाइट छोटी है उनको ना तो पैर रखने में कोई परेशानी होगी ना बैठने में कोई परेशानी होगी। सिटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है, हैंडल की पोजीशन भी अच्छी है। बाकी अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करा सकते हो, उसका ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। इशू है सिर्फ ब्रांड के साथ में, ये क्यूजे मोटर की तरफ से आती है जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है, इंडिया में आया है और काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स लेके आए हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा बड़ा डीलरशिप नेटवर्क कंपनी का नहीं है और उतने ज़्यादा अभी कस्टमर नहीं हुए हैं कि आपको एक जेन्युइन कस्टमर फीडबैक मिल सके कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इस ब्रांड की। तो ये है एक डिटेल रिव्यू जहां हमने बात की क्यूजे मोटर की SRV 300 की। आपको कैसी लगी ये मोटरसाइकिल आप मुझे कमेंट करके बताना, और हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और इसी तरह के वीडियोज़ ऑटो जंक्शन पर आपको मिलते रहेंगे।